एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को हुई शादी देश की सबसे बड़ी शादियों में से एक रही है। वहीं दो प्री वेडिंग फंक्शंस और 3 दिन लंबे चले इवेंट के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि अब इनकी शादी की सेलिब्रेशंस खत्म हो गई हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी फैमिली ने लंदन में एक 7-स्टार होटल बुक किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को अपनी लेडी लव राधिका मर्चेंट के साथ सात फेरे लिए थे। दोनों की शादी मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई थी, जहां देश विदेश से बड़े बड़े लोगों के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। शादी की ढेर सारी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न काफी लंबे टाइम से मनाया जा रहा है। पहले जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन, उसके बाद इटली में दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन के अलावा कई और पार्टीज के साथ साथ शादी के बाद भी 3 दिनों का जश्न दुनिया भर ने देखा। लेकिन क्या सच में अभी तक उनकी शादी का ये जश्न खत्म नहीं हुआ है? दरअसल द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने लंदन में अनंत और राधिका की पोस्ट वेडिंग पार्टी के लिए एक 7-स्टार होटल स्टोक पार्क बुक किया है। अब रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस होटल को 2 महीने के लिए बुक किया गया है, यानी मुकेश अंबानी ने होटल सितंबर तक के लिए बुक कराया है, जहां अनंत राधिका का पोस्ट वेडिंग फंक्शन होगा और वहां कई विदेशी मेहमान इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें एक अलग रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी दावे गलत हैं और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साल 2021 में स्टोक पार्क एस्टेट को 57 मिलियन यूरोज में खरीदा था। वहीं होटल की तरफ से भी एक पोस्ट जारी किया गया है। इस पोस्ट में किसी भी वेडिंग या पोस्ट वेडिंग पार्टी होने का दावा खंडित किया गया है और पोस्ट में होटल की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है और फोटो शेयर करने के साथ ही इसके कैप्शन में लिखा है, एट स्टोक पार्क वी डोंट यूजुअली कमेंट ऑन प्राइवेट मैटर्स बट इन लाइट ऑफ द रीसेंट मीडिया स्पेकुलेशंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्यूरेसी वीड लाइक टू क्लैरिफाई दैट देयर आर नो वेडिंग सेलिब्रेशंस प्लान्ड एट द एस्टेट दिस समर। As always, we are committed to our future vision for the estate as a world-class hotel and golf course and will continue to work with our stakeholders and local community to deliver this. अब ये कैप्शन पढ़ के साफ जाहिर हो रहा है कि पहली मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है और शायद अब वहाँ पर कोई भी अंबानी का वेडिंग सेलिब्रेशन नहीं होने वाला। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। तो आज हम एक ऐसे वीडियो की बात करने वाले हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि खबरों के हिसाब से पूरे नेशनल टेलीविजन पर वायरल हुआ है। वेल आई गेस अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि बिग बॉस OTT3 के घर से बाहर आया है और बिग बॉस हमेशा ही कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने के लिए वो हमें मजबूर कर देते हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग बिग बॉस को दिन दहाड़े कम बल्कि रात के अंधेरे में ज़्यादा देखने लगे हैं। वेल, क्या था ये वीडियो, क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कुछ है मेकर्स का इस वीडियो पर कहना, वो हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। बिग बॉस OTT सीजन 3 ने सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला काटा हुआ है और खासकर यूट्यूबर अरमान मलिक जमकर कंटेंट दे रहे हैं। कभी अरमान विशाल को थप्पड़ मारकर लाइमलाइट में आ जाते हैं तो कभी अपनी दो शादियों पर कमेंट करके सबको हैरान कर जाते हैं। बता दें कि अरमान इस शो में अपनी दोनों पत्नियों के साथ नजर आ रहे थे, हालांकि उनकी पहली पत्नी पायल फिलहाल शो से बाहर हो गई हैं और दूसरी पत्नी कृतिका अभी भी अरमान के साथ शो में बनी हुई हैं।
अब इसी बीच में अरमान और कृतिका के इंटिमेट होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से अब जियो सिनेमा को भी सफाई देनी पड़ी है। यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दूसरी पत्नी कृतिका के साथ बिग बॉस के घर में है और ऐसे में 18 जुलाई को OTT पर एक फीड सामने आई जिसमें दोनों पति पत्नी इंटिमेट होते नजर आए। अब कपल का ये रोमांटिक मोमेंट कैमरे में कैद होना तो लाजमी ही था। बस फिर क्या था, अगले दिन सोशल मीडिया पर ये क्लिप जमकर वायरल हो रही है और लोग कपल के इस अंदाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। वहीं अरमान की पहली पत्नी पायल से भी लोग इस पर जमकर सवाल पूछ रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिग बॉस OTT3 के क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कृतिका मलिक और अरमान मलिक को कंबल के अंदर इंटीमेट होते दिखाया गया है। ऐसे में मामले को बढ़ता देख खुद जियो सिनेमा ने इस पर अपना पक्ष रखा है। अपना ऑफिशियल बयान जारी कर जियो सिनेमा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किए जाने वाले सभी कंटेंट की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। बिग बॉस OTT जिसे जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जा रहा है उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं था। वायरल क्लिप में अश्लीलता शामिल करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ और एडिट किया गया है जिससे ये फर्जी साबित होता है। हम जियो सिनेमा की अखंडता और हमारे दर्शकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं। इस फेक क्लिप को क्रिएट करना और उसे वायरल करना एक चिंता का विषय है। बता दें कि जियो सिनेमा से पहले अरमान की पहली पत्नी पायल ने इस इंटीमेट वीडियो को भी फेक बताया था और इसके साथ इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब शिवसेना के प्रवक्ता सचिव और विधायक मनीषा ने कहा कि इसमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं और साथ ही ये भी कहा था कि वो एक्ट्रेस और शो के CEO को भी गिरफ्तार करने के लिए बात करेंगी। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। फेमस यूट्यूबर एलविश यादव जब से बिग बॉस का पार्ट बने हैं उनके साथ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी चल ही रही है। कभी मैक्सन को थप्पड़ मारना तो कभी स्नेक वेनम केस में अंदर जाना और अब जास खान के साथ एक और कंट्रोवर्सी। लेकिन अब एलविश यादव के नाम पर एक और कंप्लेंट दर्ज हो गई है और ये कंप्लेंट काशी विश्वनाथ मंदिर से है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पॉपुलर यूट्यूबर एलविश यादव जहां भी जाते हैं वो विवाद अपने साथ ही लेकर जाते हैं और उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं अब एक बार फिर से एलविश विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक करने का, जिसका उन पर आरोप लगा है और इसी वजह से उन पर वाराणसी के उपायुक्त ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि एलविश यादव के खिलाफ वकील प्रतीक कुमार सिंह ने वाराणसी के सेशन कोर्ट में लेटर के जरिए शिकायत दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। एलविश यादव जब से बिग बॉस का हिस्सा बने हैं वो आए दिन किसी न किसी वजह से विवादों में घिर ही जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से वो कोबरा कांड की वजह से फंसे हुए थे और बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कुछ दिनों तक जेल की हवा तक खानी पड़ी। अब इसके साथ ही उनके साथ ED का साया भी चल रहा है। इसी बीच में अब वो बाबा भोलेनाथ की नगरी में आशीर्वाद लेने गए थे और यहाँ पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक करवा ली और अब उन पर एक शिकायत दर्ज हो गई है। एलविश यादव के खिलाफ प्रतीक कुमार सिंह ने वाराणसी के सेशन कोर्ट में लेटर के जरिए शिकायत दी है और प्रतीक कुमार ने पत्र में लिखा, सोशल मीडिया और दूसरे सूचना प्रसारण के जरिए जानकारी मिली कि एलविश यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद तस्वीरें खींची हैं, जिससे मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन वाराणसी पर सवालिय निशान उठा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। वहीं लेटर में आगे लिखा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार हो रहे कैमरे के इस्तेमाल से दर्शनार्थियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इससे मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने की संभावना है, इसलिए पूरे मामले पर ध्यान लेकर जरूरी कार्रवाई करें। वकील ने आगे कहा कि आज एलविश यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, उसके बाद परिसर में जहां मोबाइल ले जाना सख्त मना है वहां उन्होंने फोटोज क्लिक की। ये मंदिर के अहम नियमों का उल्लंघन है।
इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। वैसे तो सारे ही सेलिब्रिटीज एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं और वहां से विंडो के बाहर का नज़ारा हमें दिखाते हैं, लेकिन इस बार एयरप्लेन के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बॉलीवुड की नवाबजादी सारा अली खान गुस्से में तमतमाई हुई नजर आ रही हैं। वेल, अब सवाल ये है कि सारा अली खान के गुस्से का रीज़न एयरप्लेन का टर्बुलेंस है या फिर किसी फ्लाइट क्रू से उनकी बहस। आइए जानते हैं इस हॉट गॉसिप के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, सारा अली खान का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं और ये वीडियो एक फ्लाइट के अंदर का है जिसमें सारा बैठी हुई हैं और उनका गुस्सा चेहरे से लाल नजर आ रहा है। सारा अचानक से उठती है और फिर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब ये क्लिप जैसे ही वायरल हुई तो लोग सारा और उनके गुस्से से तिलमिलाए चेहरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर ये लिखा गया कि सारा के साथ फ्लाइट में ऐसी चीज हुई कि जिससे वो गुस्से में आ गई। दरअसल एक्ट्रेस की एक्सपेंसिव ड्रेस पर एक एयर होस्टेस ने जूस गिरा दिया जिसके बाद काफी ज्यादा ड्रामा हुआ। सारा का ये फ्लाइट के अंदर का वीडियो अब जैसे ही वायरल हुआ तो लोग लगातार इस पर कमेंट भी करने लगे। हालांकि कई लोगों का सोशल मीडिया पर दावा है कि ये किसी विज्ञापन का वीडियो हो सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर कंफर्म हुआ है कि ये वीडियो में सारा के रिएक्शन काफी गुस्से वाला है, जिस वजह से इस वीडियो को लगातार लोग बार बार क्लिक करके देख रहे हैं। वहीं सारा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान आखिरी बार ए वतन मेरे वतन फिल्म में नजर आई थी और ये फिल्म 21 मार्च को इसी साल रिलीज हुई थी। अब इससे पहले सारा अली खान मर्डर मुबारक में भी दिखी थी। आपको बता दें कि सारा अली खान जल्द ही आयुष्मान खुराना के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाली है और इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा सारा की झोली में कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें मेट्रो लाइफ इन दिनों शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का खबरों में बनी रहना बंद ही नहीं हो रहा। हाल ही में उनका एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिससे वो फैंस के बीच चर्चा का टॉपिक बन गई थी, लेकिन अगले ही दिन उनके मैनेजर के साथ उनकी बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। इन घटनाओं की दिलचस्प टाइमिंग ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सच में हुआ है या फिर कोई पीआर स्टंट या किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसी बीच एक फैन पेज ने सच्चाई का दावा करने की बात की है जिसमें वो एक्ट्रेस की वायरल वीडियो को उनकी अपकमिंग फिल्म घुसपैठिया से जोड़ रहे हैं। वीडियो में उर्वशी एक ऐसे अवतार में नजर आ रही हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा गया, जिससे फैंस के बीच ये जानने की और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। लीक हुए ऑडियो में रहस्य की एक और परत जोड़ी गई है क्योंकि ये पर्दे के पीछे की चर्चाओं का संकेत दे रहा है जो फिल्म के प्रचार से रिलेटेड हो सकती है। घटनाओं की इस सीरीज ने घुसपैठिया के लिए उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है जिससे ये इंडस्ट्री में सबसे अधिक टॉप्ड प्रोजेक्ट में से एक बन गई है। दरअसल सुर्खियों में बने रहने और दर्शकों को बांध रखने की उर्वशी की क्षमता, उनकी स्टार पावर और उनकी उत्पन्न की जाने वाली अपार दिलचस्पी को दिखाती है। फिल्म की बात करें तो घुसपैठिया जल्द ही रिलीज होने वाली है और ऐसे में सभी की निगाहें उर्वशी पर हैं क्योंकि वो पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी दर्शकों को लुभाती रहती हैं। जैसे जैसे उनके बारे में चर्चा तेज होती जा रही है, फैंस के एक्साइटमेंट स्टार के बारे में और भी ज्यादा अपडेट और खुलासे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इन वायरल लीक्ड वीडियोस को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है
और इस मूवी में उनके साथ एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी नजर आई हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो लीड स्टार्स के साथ सेट पर मस्ती करती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म बैड न्यूज ने दर्शकों को काफी लुभाया है और फैंस को भी ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। इस मूवी में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क लीड रोल में है। वहीं फिल्म में विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की स्टीमी केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। वहीं एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती हुई दिखाई दी हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में अब एक्ट्रेस ने इसके बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किए हैं। इस शेयर्ड वीडियो में देखा जा सकता है कि नेहा विकी और बाकी स्टार्स के साथ ऑटो रिक्शा की सवारी कर रही है और बैकग्राउंड में फिल्म का गाना मेरे महबूब मेरे सनम बजता हुआ सुनाई दे रहा है। वहीं पहले सीन में एक्ट्रेस विकी कौशल के साथ घूमते हुए और फिर तृप्ति डिमरी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग भी उनके इस बिहाइंड द सीन मस्ती को काफी पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि इसे करते हुए उन्हें काफी मजा भी आया। नेहा ने अपने ऑटो रिक्शा के अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि उन्हें इसे करते हुए काफी मजा आया और एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि इस पागल ग्रुप के साथ कभी भी मजा नहीं आता, मां को रोना की कसम मजा आ गया। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की एक ताज़ा खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वैसे तो शाहरुख खान के एक्टिंग का सिक्का पूरी दुनिया में ही चलता है, लेकिन इस बार शाहरुख खान के नाम और उनकी फोटो का सिक्का पेरिस में चला है। अब ये फैंस की दीवानगी है या फिर शाहरुख खान की एक्टिंग का जलवा, वेला ये जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं। नाम, पैसा, शोहरत, रुतबा सब कुछ शाहरुख खान ने अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित शाहरुख खान हो चुके हैं और अब SRK के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है और ऐसा करने वाले ये एक लौते ही बॉलीवुड एक्टर हैं। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के फेमस ग्रेविन म्यूजियम में SRK के नाम पर सोने का सिक्का है जिस पर उनकी तस्वीर भी है और साथ ही साथ उनका नाम भी छपा हुआ है। दरअसल ये सिक्का साल 2018 में जारी किया गया था, लेकिन एक फैन ने हाल ही में सिक्के की फोटो शेयर की जो अब इंटरनेट पर वायरल हो गई और अब किंग खान के फैंस गर्व से बिल्कुल भी फूले नहीं समा रहे। शाहरुख खान के कई फैंस को ऐसा लग रहा है कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में जहां SRK का वैक्स स्टैच्यू भी है वहां पर उनके नाम पर गोल्डन कॉइन जारी किया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। शाहरुख को ये सम्मान साल 2018 में ही दिया गया था और एक्टर के फैन ने ट्विटर पर सिक्के की फोटो भी शेयर की है। वहीं हाल ही में एक सोशल मीडिया पेज ने सोने के सिक्के वाला ये पोस्ट शेयर किया जिसके बाद फैंस के बीच इसकी चर्चा एक बार फिर होने लगी। अब एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, देश के लिए प्राउड मोमेंट, किसी ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बताया तो कोई ये भी कह रहा है कि पैसे देकर कोई भी अपने नाम पर सोने का सिक्का बनवा सकता है। अब इस म्यूजियम में शाहरुख खान का वैक्स स्टैच्यू भी लगा हुआ है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग होने वाली है और बताया जा रहा है कि वो इस फिल्म में अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर किसी ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। वेल फैंस हमेशा ही शाहरुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और किंग को लेकर भी फैंस के बीच में एक्साइटमेंट और बस पूरी तरह से बरकरार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन।